नज़रों में ही पाकिस्तान का अनडाउटेडली सबसे बड़ा ब्रांड बने, और जिस तरह आप लोगों ने सपोर्ट किया इस सफ़र में, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मशहूर हूँ इस बात पे। अब हम ये देखते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑब्वियसली कोविड के बाद भी ग्राउंड में उस तरह एक्टिविटी नहीं कर पाते और वह घरों में ज़्यादा तरजीह देते हैं, तो घरों में ऑब्वियसली वो गेम्स खेलते हैं, सो उनके अंदर भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टैलेंट होगा। तो उस पर हमने ये सोचा कि अब हम उनके लिए क्या करें, जो बच्चे हम क्रिकेट के फ़ैन ज़रूर हैं लेकिन जो ऑनलाइन गेमिंग में भी इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए फिर ऑब्वियसली टेंसेंट से बड़ी कंपनी कोई नहीं थी और उनकी जो पबजी जो गेम है उनकी वो आप सब जानते होंगे। सो हमने सोचा कि ई स्पोर्ट्स के अंदर भी हम कलंदर का फुटप्रिंट लेके आते हैं और पाकिस्तानी नौजवान जो घर पे बैठे हुए हैं और गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनको भी एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स के फैंस को भी कि अदर देन PSL भी अपने आप को मसरूफ़ रख सकें। सो खाबर, थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत मशहूर हूँ खाबर का कि उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और हम एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप करने जा रहे हैं जिसमें इसका मतलब हर की स्पॉन्सरशिप नहीं है, क्योंकि इस दफ़ा कलंदर्स ने जो भी अनाउंसमेंट किए हैं वो स्ट्रेटजिक अनाउंसमेंट्स हैं, पर स्पॉन्सरशिप हम इससे पहले सालों में करते थे। अब PSL जितना बड़ा ब्रांड बनता जा रहा है, अब हमें ज़रूरत है कि हम कोलैबोरेट करें और सोसाइटी का वो हिस्सा या वो सेगमेंट जो स्पोर्ट्स को या गेम्स को उस तरह एंजॉय नहीं करता उनको ई स्पोर्ट्स की तरफ लेके आएँ। तो हमारे प्लान इसके अंदर यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में हम ई स्पोर्ट्स को जो है वो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। और आपके शायद इल्म में हो कि पबजी के तकरीबन 1 बिलियन यूज़र्स हैं ऑल अक्रॉस इन द वर्ल्ड और पाकिस्तान में इनके कोई 15 मिलियन के करीब है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि आने वाले सालों में इसको बढ़ा के हम 10, 15, 20, 25, 30 बल्कि 50 मिलियन तक लेके जा सकें, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है यूथ जो है वो 65% है और उसके अंदर हेल्दी कंपटीशन लेके आए। आपको पता है लाहौर कलंदर्स जो है वो हमेशा हेल्दी कंपटीशन की तरफ जाता है। तो इसी तनाजर में हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको बहुत से सरप्राइजेज देंगे। तो थैंक यू वंस अगेन खाबर फॉर योर ट्रस्ट इन अस, और आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़। थैंक यू आतिफ साहब। थैंक यू आतिफ साहब। थैंक यू आतिफ साहब, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। एक तो आपका विजन जो है फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान, एंड आई थिंक जिस तरह से लाहौर कलंदर एज अ ब्रांड क्रिकेट में है, पबजी मोबाइल पाकिस्तान में सबसे खेली जाने वाली और सबसे पॉपुलर गेम है, सो जो सिनर्जी है वो ऑफकोर्स एक स्टार्टिंग पॉइंट उसका यही है कि हम लोगों ने कोलैबोरेट करके हम लाहौर कलंदर के फैंस को और पबजी मोबाइल के यूजर्स को बहुत सी एक्टिविटीज़ में, बहुत से मर्चेंडाइज गिवअवेज में, और हम फर्दर कलंदर की जो मर्चेंडाइज है, जो उनके ब्रांड की शर्ट्स वगैरह हैं, उनको हम अपनी ऐप के अंदर अपने यूजर्स को देंगे। सो इट्स अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस स्पेसिफिक पॉइंट, बट आई थिंक जो लार्जर हमारा इंटरेस्ट है वो ये है कि स्पोर्ट्स जो कि जिस तरह से आतिफ साहब ने कहा कि दिस इज़ वेयर द यूथ इज, हम वहाँ पर दोनों ब्रांड सिनर्जी के साथ काम करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द यूथ, एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर द सपोर्ट दैट हैज़ बीन गिवन, जिसकी वजह से हमने ये पार्टनरशिप की, एंड इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज आपको काफ़ी इससे रिलेटेड फर्दर चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। सो थैंक यू फॉर द लाहौर कलंदर मैनेजमेंट। थैंक यू खाबर, और आपने देखा कि लाहौर के करोड़ों दिलों का के चिकंदर है लाहौर कलंदर जो है, और करोड़ों दिल धड़कते हैं पबजी के आने के बाद, अब वो अरब में चले जाएंगे तो आके भाई आप पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा वो सुवनीर देते हैं। हमने आपके को शहीन की बॉल फेंकी आपकी तरफ सर, एनी क्वेश्चन आंसर्स के लिए। आतिफ सर, ई स्पोर्ट्स कितना फायदेमंद होगी जो पाकिस्तान सुपर लीग को जो ब्रांड है लाहौर कलंदर का खास तौर पर उसको मजीद प्रमोट करने में? सर जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखें, PSL एक महीने का टूर्नामेंट होता है, आप 10-15 दिन पहले या एक हफ्ता पहले लगा लें जब आपकी टीम लाइनअप होती है, और फाइनल के बाद ख़त्म हो जाते हैं। सो ये जो कलंदर्स का विजन है, जो सारा साल आप देखते हैं, चाहे वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो,
कम्युनिटी बेस्ड क्रिकेट हो, हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो, हम सारा साल बच्चों को एंगेज रखना चाहते हैं। सो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये नेक्स्ट स्टेप है कि आपका बच्चा वो एक महीने के लिए तो एंगेज नहीं रहेगा ना, सारा साल उसके लिए हम डिफरेंट आइडियाज़ लेके आएंगे ताकि वो हेल्दी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके। जो लोग ग्राउंड में नहीं आना चाहते या किसी वजह से नहीं आ सकते, उनके पास भी ये राइट है। और फिर दूसरी बात यह है, इसके अंदर वुमेन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा कि जो क्रिकेट उस तरह नहीं खेलती या स्पोर्ट्स में नहीं होती, वो एक बहुत बड़ी अनटैप पॉपुलेशन है जो कि ज़्यादातर अभी ड्रामों की तरफ या दूसरी तरफ अटैच होंगी। लेकिन इस एंगल से आप देखें कि हम पूरा साल हमारी यूथ को जो है वो एंगेज रखें। मेरा सवाल ये है कि पबजी गेम में ना मुख्तलिफ करेक्टर्स होते हैं, कुछ साउंड होता है, मुझे मैंने खेली नहीं है लेकिन सुना ही है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि लाहौर पैंथर्स के साथ भी ऐसा है कि उस ऐप में भी उनका कोई होगा कि सिर्फ ये मतलब कि बाहर की प्रमोशन होगी या लोगों की होगी, एक लंदर्स का भी कोई करेक्टर है, कोई साउंड कुछ भी? जी, बेसिकली गेम के अंदर हमारी एक चीज़ होती है वॉइस पैक, जिसमें जब प्लेयर्स खेल रहे होते हैं तो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो हमने क्रिकेट के साथ तो ऑलरेडी एक चीज़ की थी विद शुएब अख्तर जब हमने लास्ट टाइम किया था। तो प्लान हमारा है, और ये जो ऐप के अंदर एक्सपीरियंसेस हैं क्रिकेट के, लाहौर कलंदर के, लाहौर कलंदर के प्लेयर्स के, ये हमारे रोड मैप पे हैं। तो इवेंचुअली जो प्लेयर्स हैं उनको ये सारा कुछ करने को मिलेगा, क्योंकि दैट इज़ वेयर द यू नो द वैल्यू इज़ फॉर द पबजी प्लेयर्स। अच्छा, एक और बात आपको बताऊँ कि ये देखेंगे अभी हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसके ऊपर हम बिल्ड करेंगे। जिस तरह पहला हमने स्टेप लिया था लाहौर की फ्रेंचाइज उठा के, और उसके बाद हमने ईयर ऑन ईयर उसके ऊपर बिल्ड किया। सो ये अभी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसमें आने वाले दिनों में आपको बहुत से सरप्राइजेस मिलेंगे। और इसके अंत से एक और भी एंगल है कि आप ये देखें कि कोविड के दिनों में ऑब्वियसली प्लेयर्स जो हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, मैच तो एक दिन ही खेलना होता है, प्रैक्टिस एक दो घंटे करनी होती है, तो उसके अंदर भी बड़ी मज़ेदार हम चीज़ें लेके आ रहे हैं जो आपके लिए सरप्राइज भी होंगी और आपको अच्छी भी लगेंगी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि बैंडन को आप लेकर आए हैं फिल सॉल्ट की रिप्लेसमेंट के तौर पे, शुरू में जैसे कल आतिफ राणा साहब से सवाल हुआ था, उन्होंने कहा था कि आखिर जावेद साहब भी जवाब दे सकते हैं कि बैंडन को किस बेस पर लेकर आए हैं, किस बेस पर नहीं लेकर आए हैं, तो ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल सुहेल अख्तर साहब से है कि आप इस साल आप जैसे कैप्टन नहीं है इस सीजन लाहौर कलंदर के, तो किस पोजीशन पे आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे लाहौर कलंदर के लिए बैटिंग करते हुए? देखिए, जहाँ तक बेन डंग की बात है तो हमारी फर्स्ट चॉइस इस ड्राफ्ट में फिल सॉल्ट थी। उसकी वजह यह है कि एक तो उन्होंने ओवर द ईयर्स बहुत इम्प्रूव किया है, वे बड़े वैल्यूएबल प्लेयर हैं, इंग्लैंड की टीम में खेलते हैं। चूँकि बेन डंग बहुत सारी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे तब, तो हमारी फर्स्ट चॉइस फिल सॉल्ट थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमें मौका मिला कि फिल सॉल्ट जो है वो इंग्लैंड की टीम के साथ वेस्ट इंडीज़ में होंगे, तो तीन चार मैचेस के लिए हमारी फर्स्ट चॉइस फिर बेन डंग ही बनता था। और फिर उसको हमने एक मज़ीद उसको रोल दिया है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान पूरी सुपर लीग के वो बहुत फेवरेट प्लेयर हैं, बहुत अच्छे पावर हिटर हैं, तो हमने सोचा कि उनकी ये जो स्किल है इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं बाकी जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं या ESL के साथ जो बैट्समैन होंगे, तो उनको हमने एक पावर हिटिंग कोच का भी रोल दिया। देखिए, ओपन भी मैंने किया और वन डाउन भी खेलता रहा हूँ, मिडल ऑर्डर लोअर मिडल ऑर्डर भी खेला हूँ। और ये होता है कि T20 में कोई भी आपकी परमानेंट पोजीशन नहीं होती, टीम पोजीशन के हिसाब से और टीम प्लानिंग के हिसाब से आपकी बैटिंग ऑर्डर है जो चेंज होता रहता है। तो इस साल भी यही है कि जिस तरह टीम की नीड होगी उसी तरह अगर ओपन में ज़रूरत हुई तो ओपन भी करूँगा इंशाल्लाह, और मिडल ऑर्डर में देखेंगे अगर वहाँ ज़रूरत हुई तो वहाँ भी मैं ले लेंगे। भाई, तवक्कुआत बहुत बढ़ गई हैं लाहौर के अंदर से, तो अभी जिस तरह राणा साहब ने भी कहा है कि अब चूँकि नौजवान भी इन्वॉल्व हो रहे हैं लाहौर के अंदर के साथ, तो इस बार क्या प्लान है कल, क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब ने भी बड़ा एक लमसम अमाउंट भी अनाउंस कर दिया है, तो क्या इस बार लाहौर कलंदर तैयार है फाइनल जीतने के लिए? देखिए, जो काम सबसे पहले आप क्या काम करते हैं, ड्राफ्ट में बैठ के अपनी टीम कंपोजिशन को बेहतर करते हैं, और पहले आप 11 अपनी
ذہن میں بناتے ہیں, پھر ان کے بیک اپس آپ بناتے ہیں, وہ بنانے پڑتے ہیں کیونکہ دو پلیئرز ہمارے چار تین چار میچز کے لیے نہیں ہوں گے. تو آپ کی جو کمپوزیشن ہے وہ سب سے پہلے بنتی ہے, اس کے بعد پھر آپ ایک کیپٹن بناتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سال جو شاہین کی جو انرجی ہے, جو اس کے اندر اسپارک ہے, جو اس کی اگریسو اپروچ ہے, اس کے بھی بہت ہماری توقعات ہیں. اور پھر جب آپ کی جو گراؤنڈ کے اندر جو آپ کے مین پلیئرز ہیں, ایک تو ان کی فٹنس کا بھی کا رہنا تسلسل, اور ان کی جو فارم ہے ایک مہینے کے لیے اس کا ہونا, یہ چیزیں فیکٹرز ہوتی ہیں. اصل آپ ٹیموں کو کمپیئر کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا کی کسی بھی فرینچائز کے پاس شاہین, حارث, راشد خان جیسے بالر اور ڈیوڈ جو ہمارے ہیں ان جیسا آل راؤنڈر, انہوں نے سنگل ہینڈڈلی نمیبیا کی ٹیم کو نیکسٹ راؤنڈ میں ورلڈ کپ میں لے کے گئے. حفیظ ہیں, فخر ہیں, تو پاکستان کی جو ٹیم میں جو کھیلنے والے ہیں پلیئر پانچ چھ تو اس فرینچائز کے پاس ہیں. عبداللہ شفیق جیسے بہت زبردست ایڈیشن ہوا ہے, کامران غلام بڑے اچھا پرفارم کر کے آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بیلنس ٹیم ہے. اب یہ پلیئرز جو ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں اور فارم میں رکھیں. تو اس دفعہ کپ جو ہے نا وہ لاہور میں ہی رہے. کرونا پوری دنیا میں ایک حقیقت ہے, اور جب تک ویکسینیشن نہیں تھی تب تک ایک چیلنج تھا کہ آپ کو چیزیں بند کرنی پڑتی تھیں. اب پاکستان میں بھی گورنمنٹ کی بڑی زبردست ایفرٹس ہیں اور انہوں نے کافی لوگوں کو ویکسینیٹ کیا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے. رہی بات آپ کی کہ فرینچائز کا کیا رول ہوتا ہے, اس میں پی سی بی جو ہے وہ ٹورنامنٹ کا اور پی ایس ایل کا کسٹوڈین ہے. تو جتنے ٹرمز اور ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ پی سی بی جو ہے وہ ریوائز کرتا ہے. ہمارا کام ہوتا ہے اس کو فالو کرنا. تو آج تک میرا نہیں خیال کہ کسی فرینچائز نے اس کو نہ فالو کرنے کی کوشش کی ہو. سو اب سب مل کے ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان شاء اللہ اس وقت پی سی بی کی جو مینجمنٹ ہے مجھے پرسنلی 100% اس کے اوپر بلیو ہے کہ وہ ڈلیور کریں گے, اسپیشلی سلمان نسیم کا جو ڈیسیزن لیا پی سی بی نے, میرے خیال میں وہ لیگ کے لیے بہت اچھا ہے. اور ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھے میچز ہوں گے, لوگ انجوائے کریں گے. ٹرافی تو آکی میں نے ویسے لاہور میں رکھ لی. Thank you.